हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। दिस इज अभिषेक पंडोत्रा। फिर से आपके लिए नया लेक्चर लेके हाजिर हूँ जीएन के हिस्ट्री पे। आई होप यू गाइस लाइक द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे हमारे क्विजेस होते रहते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए जो भी हमारी नई वीडियोस आ रही हैं। जिसने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जेएन की हिस्ट्री में, वो पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके हमारे जेएन की हिस्ट्री के पुराने लेक्चर्स देख लें, सो दैट उसको आगे कवर करना ईजी हो जाएगा। नो, लेट्स स्टार्ट द टूडेज लेक्चर। आपको पता ही है मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, बस उसी के साथ हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जे एंड के? डोगरा डायनेस्टी को जे एंड के में किसने फाउंड किया था? वेन डिड डोगरा पीरियड स्टार्ट? डोगरा पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? हाउ मच नानक शाही रुपीज पेड बाय गुलाब सिंह टू ब्रिटिश टू एनेक्स द जे एंड के? जे एंड के को लेने के लिए गुलाब सिंह ने कितने पैसे नानक शाही को पे किए थे? हु वॉज अवॉर्डेड विद द मोस्ट एग्जॉल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया? दिस अवार्ड, ये वाला अवार्ड किसको दिया गया था? वेन डिड ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइंड हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रणवीर सिंह असेंडेड द थ्रोन? रणवीर सिंह को थ्रोन पे कब बिठाया गया था? व्हेन डिड गुलाब सिंह डाइट? गुलाब सिंह की डेथ कब हुई थी? हु बिल्ट द जेलम वैली कार्ट रोड? जेलम वैली कार्ट रोड किसने बनाया था? व्हेन डिड स्टेट गवर्नमेंट कैरीड आउट द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट? फर्स्ट लैंड सेटलमेंट जो जे एंड के हिस्ट्री में कब हुआ था? वेन डिड प्रताप सिंह बिकम द महाराजा ऑफ जे एंड के? प्रताप सिंह को जे एंड के का महाराजा कब बनाया गया था? आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा पीरियड? डोगरा पीरियड का लास्ट रूलर कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रेन मोटर कार्स बिकम द प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? किसके टेन्योर में, अंडर किसके रूल जो मोटर ट्रांसपोर्ट थी वो प्राइमरी मीन्स था ट्रांसपोर्ट का? प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कब बना था? हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट? प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किसने कर दी थी स्टेट में? हाउ लॉन्ग डोगरा डायनेस्टी रूल? डोगरा डायनेस्टी ने कितने ईयर्स रूल किया है यहाँ पे जे एंड के पे? आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना, और आपको इनके आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने डोगरा पीरियड के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आ रही थी अमृतसर ट्रीटी। जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी ये साइन हुई थी 16 मार्च 1846। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये साइन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार जब खत्म हुई थी, उसके बाद ये साइन हुई थी किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में। इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स रखे गए थे, जिसके अंदर क्या आर्टिकल्स थे? जो आर्टिकल 1 था वो कहता था कि जितने भी हिली एरियाज और माउंटेन्स एरियाज के अंडर जितने भी रीजन आते हैं, ठीक है, और जो इंडस रिवर के ईस्टवर्ड में है और रावी रिवर के वेस्टवर्ड में जितना भी एरिया आता है वो सारा इस ट्रीटी के अंदर महाराजा गुलाब सिंह जी को मिल गया था, इंक्लूडिंग चंबा तक। लाहौल उसके अंदर नहीं आता था। ये सारी जितनी टेरिटरीज थी इसको ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह जी को दे दिया था, बट ये फ्री में नहीं दिया गया था। इसके लिए उन्होंने एक अमाउंट पे किया था, जो अमाउंट कितना था वो था 75 लैक्स। 75 लैक्स जिसको नानक शाही रुपीज में पे किया था। नानक शाही रुपीज उस टाइम की करेंसी यूज होती थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या मार्क करती है? जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड हुई थी उसके उसके साथ ही डोगरा पीरियड जो जे एंड के में वो स्टार्ट हो गया था।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक्चुअली जो ट्रीटी ऑफ लाहौर स्टार्ट हुई थी एंग्लो सिख वार के बाद, उसी में कुछ जो चेंजेस की हुई थी उसके उसी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या हुआ है, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो रही थी उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिश ट्रूप्स की मदद, ब्रिटिश एम्पायर की हेल्प की थी, सो दैट अगेंस्ट द सिख सिख्स के खिलाफ, जो सिख रीजन था जे एंड के में, उसके अगेंस्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, इसी के लिए ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर है वो साइंड हुई थी। जब सिख एम्पायर की डिफीट होगी उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जो किसके बीच में हुई थी, आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख्स ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जो सिख्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उनके महाराजा थे जो 7 साल के थे, 7 ईयर ओल्ड महाराजा, इनका नाम था दलीप सिंह, और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ये 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड हुई थी, जिसके अंदर क्या बोला गया, जम्मू जो है वो किसका पार्ट है, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है। याद रखिए जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड हुई थी वो हुई थी 9 मार्च को, और जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी वो हुई थी 16 मार्च 1846, दोनों 1846 में साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था, उसके अंदर कुछ क्लॉजेस बनाए गए थे, कुछ लिखा गया था जिसके अकॉर्डिंग गुलाब सिंह जी को जो है ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करना था, ठीक है, कितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स जितने भी वॉर्स में, जितने भी रिवेलियंस में पार्ट्स लेंगे, या जितने भी इंडिया में रिवेलियंस हो गए और जिसको भी ब्रिटिश एम्पायर अपोज करेंगे, उसमें डोगरा जो जितने भी डोगरा ट्रूप्स होंगे, जेएनके के ट्रूप्स होंगे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, और इन रिटर्न में क्या होगा, जो ब्रिटिश आर्मी होगी या ब्रिटिश ट्रूप होगी वो महाराजा गुलाब सिंह जी को, इन रिटर्न क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो महाराजा गुलाब सिंह जी की हेल्प कर रहे थे टू प्रोटेक्ट द जेएनके टेरिटरीज अगेंस्ट देयर एक्सटर्नल एनिमीज से। जिसके बाद उसके बाद क्या हुआ था, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट हुई थी उसके अंदर बहुत सारे जम्मू के सोल्जर्स ने पार्ट लिया था, आल्सो इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने पार्ट लिया था एज ए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस डायरेक्टली विद द किसके साथ, रॉयल नेवी के साथ जो ब्रिटिशर्स की थी उस टाइम पे, द ब्रिटिश आर्मी के साथ, द मर्चेंट नेवी के साथ, और गिलगित स्कॉट्स को जितना वो मेंशन किया था मेजर विलियम ए ब्राउन ने अपनी बुक में। उसके बाद आता है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह जी के बीच में और लॉर्ड माउंटबेटन में, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके बीच में ये साइन हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट होती थी जे एंड के, कोई भी प्रिंसली स्टेट थी जो इंडिया की, वो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जाके मिल सकते थे। जे एंड के में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जे एंड के ने साइन किया था ऑन 26 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह एंड लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसकी वजह से जे एंड के का एक्सेशन किसके साथ हो गया, इंडिया के साथ हो गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्चुअली में होता गया, ये एक डॉक्यूमेंट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आता है, और इसको यूज किया था गया गया था 1947 में, जिसके अंदर जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उस ब्रिटिश टाइम पे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि वो आइदर इंडिया के साथ आ सकते हैं, आइदर पाकिस्तान के साथ, आइदर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आगे साइन कर लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता था, जो रूलर होता था प्रिंसली स्टेट का और या आइदर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया से साइन होगा या पाकिस्तान के साथ साइन होगा। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स मेनली होते थे, कौन कौन से, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है ये साइन किया जाता था। जे एंड के ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसलिए साइन किया था क्योंकि जे एंड के पे अटैक हो गया था पाकिस्तान की तरफ से और इंडियंस को हेल्प चाहिए, जे एंड के को हेल्प चाहिए थी। इसके लिए महाराजा हरि सिंह जी ने उस टाइम पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हेल्प मांगी थी, इन रिटर्न उनको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा था। उसके बाद एक साइन हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952, जब जे एंड के असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, उसके अंदर एक नए नए क्लॉजेस रखे गए, उसके अंदर नए नए क्लॉजेस क्या थे, उन्हीं को नाम दिया गया क्या, दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952, कि जो
वही क्लासेस हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्लासेस कौन से थे। पहला उसका क्लॉज ये था कि जो हेड होगा स्टेट ऑफ जी एंड के का, उस पर्सन को कौन रेकमेंड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो लोग उनको रेकमेंड करेंगे। फर्स्ट होगा स्टेट लेजिस्लेचर और सेकंड होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्लॉज ये था कि जो इंडियन फ्लैग होगा उसका सेम स्टेटस होगा जेएनके में, जब जेएनके में उसका सेम स्टेटस होगा जैसे उसका पूरे इंडिया में है, और स्टेट फ्लैग जो है वो भी यहाँ पे रहेगा। सिटीजनशिप दो विल बी कॉमन इन टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो सिटीजनशिप थी वो पूरे कंट्री में दो पार्ट्स में कॉमन थी। जो जितनी स्टेट जो भी रूल एक्चुअली में जो भी रूल पास होता था नेशनल असेंबली में, वो डायरेक्टली स्टेट असेंबली में इंप्लीमेंट नहीं होता था। उसको स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डिफाइन करती थी और उसको रेगुलेट करती थी कि सो दैट वो किसी को अपना परमानेंट रेजिडेंस बना सके या नहीं बना सके। उस हिसाब से जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे वही सेम राइट्स जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, जेएनके पर भी इंप्लीमेंट्स होते थे। जो किसी को डेथ सेंटेंस देनी थी, जिसको हैंग टू डेथ करना था, इसकी पावर सिर्फ किसके पास थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही थी। इसके लिए जेएनके को कुछ अलग से पावर नहीं दी गई थी स्टेट लेजिस्लेचर को। जो स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन केस कोई एक्सटर्नल डेंजर हो जाए या कोई कंफ्लिक्ट हो जाए स्टेट और सेंटर के बीच में, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट ऑफ एमरजेंसी लगा सकते हैं। बट इन केस अगर इंटरनल डिस्टरबेंसेस होगी तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट ही फैसला लेंगे। इन केस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया था कि वो इनके बीच में इंटरफेयर कर सके। दीज आर द क्लॉजेस जो आप दिल्ली एग्रीमेंट में साइन किए गए थे। उसके बाद जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था वो था इंदिरा गांधी जी के बीच में और शेख अब्दुल्ला जी के बीच में। वो क्या था, वो 1975 में एक और साइन किया गया था शेख अब्दुल्ला एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो शेख अब्दुल्ला जी हैं वो फिर से सीएम बन पाए थे जेएनके के आफ्टर 22 ईयर्स। और इस अकॉर्ड को शेख अब्दुल्ला जी के बिहाफ पे किसने साइन किया था, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसने साइन किया था, जी पार्था सारथी ने। कब साइन हुआ था, 24 फरवरी 1975 को न्यू दिल्ली में। इसी के साथ जो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए थे जेएनके की हिस्ट्री में वो खत्म होते हैं, और इसी के साथ जेएनके की हिस्ट्री जो पूरा टॉपिक था वो भी खत्म होता है। दिस इज द एक्चुअली द लास्ट क्लास, बट मैं आपके लिए एक क्लास और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी जेएनके हिस्ट्री की आपको रिविजन करा दूंगा क्विकली, जिसके अंदर हम आप क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। दिस विल बी वही आप हमारी लास्ट क्लास होगी। चलिए देख लीजिए आंसर्स क्या हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है महाराजा गुलाब सिंह। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इन 1846 एडी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 75 लाख, 75 लाख नानक शाही रुपीस। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रणवीर सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 16 अक्टूबर 1846। सिक्स्थ का आंसर है इन 1856 एडी। सेवंथ का आंसर है 1857 एडी। एट्थ का आंसर है महाराजा प्रताप सिंह। नाइन्थ का आंसर है इन 1887 एडी। टेंथ का आंसर है 1885 एडी। इलेवंथ का आंसर है महाराजा हरि सिंह। ट्वेल्थ का आंसर है महाराजा प्रताप सिंह। थर्टीन का आंसर है 1907 एडी। 14 का आंसर है महाराजा हरि सिंह एंड 15 का आंसर है 100 ईयर्स। आई होप यू गाइज लाइक द टूडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आया, आपको लाइक करना, आपको लगता है कि दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे, कैसे लगे आपको ये लेक्चर, आपको कितनी हेल्प हो रही है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।
और आपके लिए मैं एक लास्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी जीएनके हिस्ट्री की एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।